हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, रामनवमी के दिन करें ये आसान उपाय, जीवन के संकट होंगे दूर। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों रामनवमी के दिन, दोस्तों रामनवमी के दिन यदि आप ये आसान उपाय करते हैं तो आपकी हर एक मुश्किल हल होगी। जी हाँ दोस्तों, इस दिन चैत्र नवरात्रि की महानवमी होगी, जिसमें माँ सिद्धदात्री का विधि विधान से पूजा की जाती है। दरअसल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुण्य तिथियों में एक माना जाता है। इस तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जन्म हुआ था, जिसे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। प्रभु राम के जन्मदिन का उत्साह पूरे भारत में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस दौरान राम भक्त श्री राम की कृपा पाने के लिए रामचरितमानस की चौपाई का पाठ करते हैं। इसके अलावा जीवन में चल रहे दुख परेशानी और संकट का निवारण करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। मान्यता है कि इस रामनवमी के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, धन लाभ के लिए करें ये खास आसान उपाय। दोस्तों, रामनवमी के दिन शाम के समय एक लाल कपड़ा ले दोस्तों, फिर उस लाल कपड़े में 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी, 11 लौंग और 11 बत्ताशे बांधकर उस कपड़े में महालक्ष्मी जी और भगवान राम को अर्पित कर दे। इस दौरान एक कटोरी में जल लेकर राम रक्षा मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसे मान्यता है कि ऐसा करने से आपको धन लाभ हो सकता है, यानी कि दोस्तों महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी। तो दोस्तों, ये खास उपाय अवश्य करें। यदि दोस्तों आप रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो दोस्तों इस दिन आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो रामनवमी की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, ये 3 बार, 5 बार या 7 बार या 11 बार भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपको रोग से मुक्ति अवश्य मिल जाती है। तो दोस्तों, ये अवश्य करें। तो दोस्तों, सुख शांति के लिए ये खास उपाय। परिवार में सुख शांति बनाने रखने के लिए आप राम दरबार के सामने घी या तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इस दौरान श्री राम जय राम जय जय राम इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। दोस्तों, इससे लड़ाई झगड़े आपके घर में खत्म होंगे और सुख शांति बनी रहेंगी। तो दोस्तों, ये खास उपाय अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपके विवाह में आ रही है बाधा, तो ये उपाय खास आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो आप रामनवमी की शाम को भगवान राम और सीता माता के दोस्तों माता सीता को हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है और दोस्तों आपके विवाह के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये खास उपाय अवश्य करें। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए ये खास उपाय। संतान प्राप्ति के लिए रामनवमी के दिन आप एक नारियल ले, फिर उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर माता सीता को अर्पित कर दे। इस दौरान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। तो दोस्तों, ये अवश्य करें। दोस्तों, रामनवमी के दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने जीवन में कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, अपने जीवन में कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाए और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहे। दोस्तों, इस दिन झगड़ा लड़ाई झगड़ा अवश्य ही बंद कर दे, प्रेम से सद्भावना से सबके साथ मिले जुले। दोस्तों, इस दिन आप भी जो भी अच्छा कर्म करते हैं उसका आपको 10 गुना नहीं 100 गुना लौटकर आपको फायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये बात अवश्य ध्यान रखें और इसी तरह बर्ताव करें। तो दोस्तों, इस दिन ये खास उपाय करने से आपको सभी तरह के सुख मिल सकते हैं जो आप आपके जीवन में चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।